और आज हम क्या कर रहे हैं नौरी? आज हम ब्रेकफास्ट विद चैंपियन सीजन 6 विद रोहित शर्मा एंड शिखर धवन. यस, दोनों काफी अच्छे क्रिकेटर्स हैं और रोहित शर्मा ने डबल सेंचुरी भी मारी हुई है. सो काफी एक्साइटेड है. हमने पहले भी किया हुआ है, हमने पहले भी इनको रिएक्शंस दिए हुए हम लोगों ने, तो काफी टाइम बाद हम वापस आए हैं. तो हम जैसन साथ करें, अब आज हम दो नए बैट्समैन के साथ आ रहे हैं ओपनिंग बैट्समैन. तो साथ करते हैं. पहला ही ऐसा पहला एपिसोड है कि विद टू पीपल टुगेदर है ना, पहले ही है ना विद टू पीपल टुगेदर. हार्दिक के उसमें एक के साथ एक फ्री है वो तो और ये अप्रूव किसने किया सोचो, ये आइडिया बॉस ने, रितिका ने. दो सूर में दो धुरंधर आए हैं. दो धुरंधर ना आज के पहले स्ट्राइक ले फिर स्ट्राइक ले आगे करो सर. एक मिनट, स्ट्राइक रोहित ने ली थी, ये 10 मिनट पहले पहुंच गया था. Zoraavar, why don't you sit here instead of your dad? Just come and sit. Since your dad is not here. Yeah. You want a hovercraft? If you sit here and answer all the questions he asks. Just two. Not two. Yeah, four questions. Four answer. Questions. Your father is here. Sit here, sit here. Tell him can't sit here. Tell him he can't sit here now. Tell your papa to wait. Acha, main dusri chair le lunga. Oh, so sweet. So, Zoraavar, how do you enjoy opening the batting with Rohit? You have to answer, otherwise you are not gonna get. Who's a better batsman, you or your dad? Oh. Rohit. Now you will get whatever you want. Are you looking forward to playing in the World Cup? No. You don't want to play. I'll play for you. What is your dad's shirt number? Oh. What does he wear on his shirt? If you don't answer this, actually, we should ask Shikhar if he remembers his number. Do you remember your number? But jawab nahi de raha. What is it? 25. You should know. 25. Now you won't get a gift. 25. And what is Rohit's number? What's your number? How can I tell you? You have to answer it. Ashritika, she'll tell you. Actually, banda itna zyada hai bhai. Tera no. Oh, nice, well done. Yeah. 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 You guys are like an extended family only, no? जब से Zoraavar ने होश संभाला है, हाँ, तब से वो रोहित की गोद में ही है. I feel कि हम दोनों को बड़े similar हैं. Like he enjoy staying with his family as well. Now he's taking care of his little baby girl, of course his wife. And अब मैं कल ही जैसे साथ बैठे हुए थे तो मैं पूछ रहा था कि भाई तू उसको शॉवर देता है या चेंज करता है या नहीं, तो अब वो कल उसको घुमा रहा था. सारी चीजें मैंने शिखर को करते हुए देखी है, तो मैं सीख रहा हूँ इससे. उस चीज में मैं तीन कदम आ गया. कुछ साल पहले ही था, ऐसा लग रहा था कि हम लोग एनसीए में खेल रहे हैं एक साथ, अभी दोनों बच्चे के बाप बन गए. डू यू गाइस रिमेम्बर when you first met? मुझे याद है, इसको याद नहीं होगा. चुचू के टाइम ना, क्या चूचू के टाइम? नहीं, यार जो एनसीए का कैंप होता है वहीं मिले थे ना पहली बार. उससे उस वक्त तो इंडिया अंडर ने, वो तो बता, वो नहीं बता सकते. मतलब कोई बुरी बात तो नहीं है ना? नहीं, बुरी बात नहीं. निकनेम है किसी का, निकनेम है किसी का जिसको पता नहीं है कि उसका निकनेम चूचू है. पता भी हो सकता है भाई, पता नहीं है. अंडर 19 ये वर्ल्ड कप खेल के आया था शिखर, तो शिखर का बड़ा नाम था उस टाइम पे, क्योंकि अंडर 19 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द सीरीज होकर आया था वो बांग्लादेश में. और उसके बाद तू भी उस वक्त, फिर दो साल बाद तू खेला ना वर्ल्ड कप. हाँ, उसके दो साल के बाद. पर जब हम मिले थे तब तक तू खेला नहीं था. नहीं नहीं, तभी मैं 17 साल का था यार. 17 16 तू 18 साल का था ना तभी. तो ये वर्ल्ड कप खेल के आया था शिखर का, काफी नाम था. हमने मैंने मैचेस भी देखे थे और एक तरीके का ऑरा भी था इसका उस टाइम पे. अभी भी है ना? तो अभी भी है. हाँ, अभी भी है. अभी भी तो अपना खुद का स्टाइल है, बट तभी तो हम यार जानते नहीं थे ना एक दूसरे को. अभी तो मैं जानता हूँ उसको. डू यू रिमेम्बर द फर्स्ट टाइम यू ओपन टुगेदर? चैंपियंस ट्रॉफी में. हाँ,
इवन प्रैक्टिस मैच भी नहीं करी थी ना तूने अपनी, डायरेक्ट मैच में डायरेक्ट सीधा ही छोटा पंगा तो लेना ही है। स्टोरी था यार वो। मैं इतना नर्वस था क्योंकि मैंने कभी ओपन नहीं किया था, ओपन किया था इंडिया में एक दो बार, एक दो मैचेस में किया था, बट चैंपियंस ट्रॉफी में इतना बड़ा टूर्नामेंट है, पता नहीं सडनली एमएस ने मुझे बोला कि तू ओपन कर यार फर्स्ट मैच, ठीक है चलो देखते, उसने बोल तो दिया और मैंने हाँ भी बोल दिया, फिर रूम में जाके मैं सोच रहा हूँ अरे मैंने क्या किया, ठीक किया कि नहीं किया मैंने। टॉस हुआ मैं कह रहा हूँ ओपनिंग पार्टनर कौन है मेरा, मेरे को ऑपोजिशन ऑपोजिशन कुछ पता नहीं था कि किसके साथ खेल रहे हैं, क्योंकि मुझे लगा था मुझे एक आइडिया आ जाता है प्लेयर को कि प्लेयर मैच खेल रहा है या नहीं खेल रहा है, साइकोलॉजिकली आपको पता चल जाता है, फीलिंग आ जाती है, फीलिंग। तो मैं प्रिपेयर कर रहा था कि मैं नहीं खेलने वाला हूँ तो मैं क्या करूँगा, पूरे दिन ट्रेनिंग करूँगा ये करूँगा, तो मुझे ऑपोजिशन कौन था मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था उस, मैंने मुझे पता भी नहीं था कि हम साउथ अफ्रीका के साथ खेलते। फिर रात को वो बॉम्ब गिरा कि भाई तो ओपन कर रहा है, तो नर्वसनेस था। मैंने उसको पूछा यार शिखर स्ट्राइक कौन लेता है, तू लेगा या मैं लूँ, मतलब क्या है, उसने बोला नहीं नहीं मैं नहीं लेता हूँ, तू तो लेता ही नहीं उसका तो, बोला अबे भाई मैं पहला मैच खेल रहा हूँ, मैं ओपनर भी नहीं हूँ तू ले। तो इसने बोला नहीं 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 मैं कभी लेता नहीं हूँ मैं, तो चल ठीक है क्या हुआ जैसे आउट होऊंगा ना, चल ठीक है गए हम लोग, हमने 100 का पार्टनरशिप बना दिया सीधा, और हमने बनाए थे 3 something 330 या ऐसा कुछ बनाया था और जीत गए थे मैच। वाओ ट्रिपल सेंचुरी सारे प्रैक्टिस मैच से लेके एक भी मैच नहीं आ रहे यार, इंडिया ने एक भी मैच नहीं हरा वो पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में, इवन प्रैक्टिस मैच दो दो खेले हम दोनों ऑस्ट्रेलिया के साथ और श्रीलंका के, और सारे मैच जीत गए। वाह पर बीच में क्या बात करते दोनों, वो शिखर ही बताएगा, बीच में हम क्रिकेट की भी बातें करते हैं, बक भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं। मुझे तो कभी कभी हंसने आता है क्योंकि मूड लाइट हो जाता है फिर मेरा। अभी इतना क्रिकेट खेले इसको भाई साहब को पता है कि कौन बॉलर क्या बॉल डाल रहा है ये वो, फिर भी आगे पूछेगा इसका ये आउटस्विंग डाल रहा है ना, आउटस्विंग डालेगा। और जब भाग रहे हो तो इशारा कॉल कॉल भी होता है, आंखों से इशारा भी हो जाता है ऐसे की ओर में, मतलब वो उतना में पता चल जाता है वो इंस्टिंक्टली होता है, क्योंकि इसलिए अगर कुछ आगे आंख में तो अंदर रन नहीं ले रहा। बट अब थोड़ा सा रिलेशनशिप में अब थोड़ा स्ट्रेस भी आ गया आजकल, क्योंकि डीआरएस का कॉल अब तो पार्टनर को लेना पड़ता है। इट्स अ वेरी टफ कॉल बिकॉज़ नॉन स्ट्राइकर भी क्या अंपायर की पोजीशन में तो नहीं खड़े, क्योंकि अंपायर वहां पर भी खड़े रहकर सही डिसीजन नहीं देते तो हम वहां से कहां क्या करेंगे। तो मैं इसको सिर्फ जाके ये पूछ रहा हूँ कि बैट लगाए क्या पता मुझे सर, क्योंकि बैट का मुझे नहीं समझ में आएगा वहाँ से। फिर ये बोलता है कि नहीं लगाए, लगाए जो भी है उसके हिसाब से मैं फिर उसको ये बताता हूँ कि पिच हुआ है कि नहीं लाइन में, फिर हाइट वाइट, फिर मतलब 15 सेकंड में आप क्या क्या डिस्कस कर लोगे यार, सही हो या गलत हो डिसीजन, पर फिर बैक करना चाहिए अपने प्लेयर को, ये बड़ा जरूरी है, ऑलवेज राइट, कोई जानबूझकर थोड़ी कर रहा है, ये एक लॉटरी जैसे ही है यार। बट यू आल्सो एज अ कैप्टन कभी अभी बॉलर आके पूछे, बॉलर का मैं सुनता ही नहीं, एक्साइटमेंट में आने नहीं लेना 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 आउट 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 आउट, बाहर में जा भाई तू, कीपर क्या बोल रहा है तू बता मुझे, तेरा इन्वेस्टमेंट है इसमें तेरी नहीं सुनेगा। अच्छा चलो अच्छी बात तो हो गई, अब बताओ व्हाट इज द मोस्ट अननोइंग हैबिट अबाउट ईच अदर। जब भी टॉस वॉस हो गया अभी जब बैटिंग को बाहर जाना है तभी ये टॉयलेट चला गया। यार शिखर चल यार नीचे जाना है, मैं मुझे कैसे है ना 5 मिनट पहले रेडी हो जाना पसंद है मुझे, जब प्लेयर्स लोग अंदर जा रहे ग्राउंड पे फील्ड पे, इसको 5 मिनट पहले आती है तो ये बाथरूम चला जाता है, कैसे होता है यार, ये तो पहला बॉल नहीं खेलता है मैं खेलता हूँ तो मुझे अंदर जल्दी जाना पसंद है कि अंदर जाके थोड़ा सेटल हो जाओ, देखो फील्ड वील्ड देखो ये वो, ये पहला बॉल खेलेगा तो भाई तू जितने देर तेरे को पेशाब करना है कर तू। बट एनीवे दिस इज समथिंग दैट वी एक्चुअली लाफ अबाउट, इट इज फनी बिकॉज यार हर मैच में एक मैच में ठीक है हर मैच में उसको वैसा होता है, मेरे से बड़ा भुलक्कड़ ये है ये देखो अच्छा पासपोर्ट भूल गया फ्लाइट के अंदर आगे सीट में अभी कितने अभी लास्ट टूर जो हमने खेला ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी इंडिया में उधर भी तूने कुछ तक क्या भूला था यार। अच्छा ड्रेसिंग रूम में ये बड़ा होता है कि मैं सॉक्स मांगूंगा सॉक्स भूल जाऊंगा, हर मैच में इसको सॉक्स देना पड़ता है कि सॉक्स दे यार चल यार मैं ले लेता हूँ फिर मैं देता ही नहीं, सबके पास इतनी पड़ी होंगी कोई नहीं।
जायदाद ऐसे बनाई जाती है, जायदाद ऐसे बनाई जाती है। इतने बड़ी जायदाद बना ली होगी इसने। अच्छा कभी कभी आया सपोर्टर थे, सारे कपड़ों की चीजें मिल जाएगा। इंटीमेट रिलेशनशिप हो जाते हैं ना थोड़ी। जायदाद बनाने एक बारी क्या हुआ, चेन्नई जाना था तब, एनसीए चेन्नई में हुआ करता था ना ऐसे 2-3 साल पहले, थोड़े टाइम पहले। तो मैं पहुंच गया जी, अब 2-3 दिन के लिए ट्रेनिंग करनी थी। बताओ मैं क्या भूल गया, किट बैग सूटकेस मेरे बंदे ने डाला ही नहीं। सूटकेस बंदा भूल गया, किट बैग पहुंचा, किट बैग पहुंचा, सूटकेस नहीं पहुंचा, कपड़े ही नहीं। फिर मैंने उनसे बोला कपड़े दो थोड़े यार। So then does it, like if you guys have a bad day and both of you had a bad day together, does he get over it quicker? ये इसका वो थोड़ा पंजाबी नेचर के, अरे कोई बात नहीं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आ जाए। नहीं पहले पहले मुझे नहीं लगता है कि शिखर इतना सोचता था अभी, क्योंकि obviously अभी responsibilities ज़्यादा है। And see, knowing him so much, getting over tough times, I don't think it's a problem for him. Obviously he must be like thinking about it when he goes back to his room. और I guess कि faces हैं, मतलब बंदा वो जर्नी उसमें सब कुछ सीखता है। कि ऐसे भी टाइम आते हैं जब बड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कई ऐसे भी मौके आते हैं कि भाई जब पता होता है कि भाई ड्रॉप हो रहे हैं, तो बंदा बचाता है अपने आप को। उस चीज़ को बचाने के चक्कर में फ्रस्ट्रेशन आ जाती है या डर आ जाता है। फिर जब बंदा बाहर होता है फिर कहता है अच्छा बाहर हो गया, फिर क्या फर्क है, अब फिर अंदर जाएंगे, फिर अंदर हो जाएंगे। फैमिली की ये बड़ी हमारे को सपोर्ट हो जाता है। तो जब वापसी आता है तो बंदा उस नेगेटिव उसमें नहीं रहता माइंडसेट में, वो फिर पॉजिटिव हो जाता है। बच्चा देखते जब बच्चा दौड़ के आ रहा है, गले लग रहा है, या अलग ही फीलिंग्स आती है। चार कॉरिडोर में बैठे, कॉरिडोर में एक घंटा बिता दिया, दोनों बैठे होंगे, ये भाग रहा होगा, उसके साथ खेल रहा होगा, अब मैं देख रहूँगा, मैं ऐसे रहूँगा। तो इतनी बारी की हमने ऐसा, तो वो उससे वो एनर्जी चेंज हो जाती है। पता नहीं अभी तो यू लर्न टू टेक इट, लेवल बढ़ गया है ना, यू लर्न टू सहनशीलता। सहनशीलता, डू यू नो द मीनिंग ऑफ सहनशीलता? सहनशीलता मतलब सहन करना, ऐसे ही कुछ होगा यार, नाम से थोड़ा लग रहा है, थोड़ा इसको कपूरी मुंबईया जो इंग्लिश हिंदी है उसमें थोड़ा सा काफी अभी जो स्पॉन्सर शूट्स होते हैं यार आईपीएल में, उसमें एकदम शुद्ध हिंदी बुलवाया हम लोगों को यार, काफी मतलब दैट्स मोर डिफिकल्ट देन फेसिंग सिक्स बाउंसर। या एब्सोल्युटली, मतलब शुद्ध हिंदी मतलब यार जो भी बॉम्बे से है ना उनको दे कांट स्पीक प्योर हिंदी। या ऑब्वियसली थोड़ा अरे कर रहे है ना, अरे ये हो रहे ना। अभी तो मैं इनके साथ इतना टाइम स्पेंड करता हूँ ना, इन लोगों के साथ, तो इसीलिए मेरे हिंदी में थोड़ा कमांड है। और हाँ जी सर, क्या जी सर, थोड़ा ये मतलब यार इनका वो नॉर्थ साइड में थोड़ा ज्यादा, 2 साल भी कोई बड़ा होगा ना तो हाँ जी बाजी, ये हमारे लिए थोड़ा सा नया है यार। बॉम्बे वालों बॉम्बे का चलना हटना ये हम केरला में थे और बोट पे सारी टीम गई थी हमारी, तो वहां पे हम धमशराज खेले थे, तो अज्जू को आया था, अजिंक्य रहाणे को आया था सिंघम, तो ऐसे ऐसा किया उसे ये क्या है भाई। वो मेरी टीम में था तो हमको जज करना था, ऐसे करा था तो इतना हंसते आया था हमको यार। वो याद आ चुका जो जब उसे बॉलर को चिढ़ा रहा था, अजीब नहीं चढ़ाई थी यार बॉलर को, उसको स्लेज कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, play the shot you know Raju ne jage so nice yaar acha kaise confuse ho gaya hoga uska matlab wo bol raha hai bhai kaun hai bhai ye aise kya kar raha hai ye aaj tak isse acha sledging ka reply maine suna nahi kabhi oh yaar ye kya baat kar raha hai tu Dhawal Kulkarni ne bhi aise hi kuch kiya tha। हम लोग कहीं पे प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो मैथ्यू वेड है ना उनका लेफ्टी बैट्समैन,
वो बैटिंग कर रहा था तो एज लग के उसका चौका जा रहा था पीछे पीछे, तो धवल उसको जाके उल्टा सीधा बोल रहा है ये वो, पता नहीं कौन से लैंग्वेज में बोल रहा था। तो मैथ्यू वेड ने बोला ये पार्डन व्हाट आर यू सेइंग मेट, पार्डन पार्डन। तो ये इसने बोला व्हाट पार्डन पार्डन, गो टू द गार्डन। So tell me now, there's so many, you guys have now become the seniors of the team, right? So which junior do you see जो लगता है कि अरे ये रोहित का younger version है habits में और temperament में, और which one do you think शिखर के school से? शिखर के school से तो यार ऋषभ पंत था एक्चुअली, बोलने की आदत है उसे, बोलने की आदत है, थोड़ा मुंह फट है और he doesn't worry about things, yeah, तगड़ा है, हाइट कम है बस, तो बड़ा हो जाएगा तो हाइट भी कम है थोड़ा। और तेरे तेरे लिए तो पृथ्वी हो सकता है तेरे हिसाब से, क्योंकि पृथ्वी तेज ऐसी है लेट बैक, पर अच्छी चीज ये कि वो ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा यंगस्टर नहीं हमारा कि वो भाई ऐसा किसी हमारी तरह बनना चाहता, वो अपने जो खुद है वो वैसे ही रहे, वैसे ही होना चाहिए एक्चुअली। आप किसी को मतलब किसी तरह बनना नहीं चाहते, मुश्किल है, यस यू कैन फॉलो बट नोबडी कैन बी लाइक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, बिकॉज वो जो इंडिविजुअल है वो अलग है भाई, मतलब सबको भगवान ने इसलिए अलग अलग बनाया। डोंट बी द सेकंड समबडी, बी द फर्स्ट योरसेल्फ। यस नाइस, बोल देते हैं बड़ी बड़ी बातें, क्या कभी बोल के आती बड़ी बड़ी बातें। वर्ल्ड कप इज ऑब्वियसली अपॉन अस, ये हमारे देश में जो इतना मतलब पहले तो टीम सिलेक्शन का मतलब सारी एक 100 करोड़ सिलेक्टर है, है ना, 130 करोड़ सिलेक्टर है, फिर 130 करोड़ एक्सपर्ट है, और है मतलब दिस तो हम जितना भी मजाक उड़ा ले उसका बात तो सही है, मतलब यू हैव टू ट्रीट इट लाइक एनी अदर क्रिकेट गेम। बिल्कुल, और क्या, वो सोचने से प्रेशर ही बढ़ेगा, हैवीनेस बढ़ेगी, उसका क्या फायदा, कोई फायदा ही नहीं, तो उससे सोचने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और हमारे लिए जब हम उधर एक बार पहुंच जाएंगे, पहला मैच खेलेंगे ना, इट वोंट बी लाइक ओह ये वर्ल्ड कप का मैच है यार, और ये करना है वो करना है, नहीं, इट्स जस्ट अनदर क्रिकेट गेम, बिकॉज क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी में ये काफ़ी बात होती रहती है कि यू हैव टू ट्रीट दिस एज अनदर गेम। इवन IPL भी हम जब खेलते हैं अच्छे टीम के साथ खेलते हैं, या जो टीम फॉर्म में नहीं है उनके साथ खेलते हैं, तो हमारे लिए ऐसा नहीं होता है कि हमारे लिए मतलब किसी के लिए भी ऐसा नहीं होता है कि यार ये टीम अच्छा खेलती है इसके साथ हमको अच्छा खेलना है। द माइंड सेट ऑफ बीटिंग एन ऑपोजिशन डजेंट चेंज, सो फॉर दैट यू जस्ट हैव टू कीप मेंटेनिंग और कीप डूइंग द थिंग्स दैट यू बीन डूइंग। हाँ, बट बाहर से तो ये काफ़ी सारी आवाज़ें आई, क्योंकि भाई उनकी चीज़ उससे बिकती है ना, उनकी चीज़ तो हाइप करने से बिकेगी, हम अगर अपने उसको हाइप को सीरियसली ले जाएंगे उस चीज़ को, या हमने वो प्रेशर बढ़ा दिया, तो प्रेशर तो हमारे पे, वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप है तो क्रिकेट का मैच ही, और क्या, और ट्रॉफी है उस पे नाम वर्ल्ड कप है। सही बात है। सो थिंकिंग मतलब ये अभी तो बहुत साल हैं इस बात को, पर कभी सोचते हो कि अरे यार चलो ये एक दिन खत्म भी होगा, ये यू नो इट एज तो हो ही जाती है, सबके साथ होना है वो। तो हैव यू गाइस स्टार्टेड थिंकिंग दैट ऑलरेडी, मतलब डज दैट क्रॉस योर माइंड? आई गो बाय द फ्लो, फ्लो या आगे का ज्यादा उतना सोचा नहीं है कि 4 साल 5 साल 6 साल 1 साल के बाद क्या होगा, पर इवन वो थॉट भी एक्सपेक्टेशन वाली बात होती है, क्योंकि आपको नहीं पता कब तक चलनी है कब तक नहीं चलनी, क्या पता 2 दिन हो 2 साल हो या 4 साल हो, किसी को नहीं पता, तो उसमें एटलीस्ट ये नहीं है कि चुभेगी नहीं चीज, वही एक्सपेक्टेशन में आगे बैठे होंगे 4 साल 4 साल 4 साल और हो, बिकॉज व्हेन यू थिंक दैट you forget to enjoy what is there in front of you. Yeah, so I think that is something that I have learned. देखा ही नहीं है, very nice. इतने सालों में सीखा है मैंने कि यार जो अभी का जो moment है उसको enjoy करो पूरी तरीके से. Champions में हम बैठे हैं. Enjoy the show. जब तक बल्ला चल रहा तब तक ठाट है. जब बल्ला बंद. वीरू का. तो फिर commentary शुरू. Talent पूरे. Talent तो all around है शिकी में. मैं तो देखना चाहता हूँ जज जी को कमेंट्री करते हैं। He'll be very good. मेरा वो है। हिंदी में आ ये सेंस ऑफ ह्यूमर स्ट्रांग है मैं। वो वैसे ही तो होगा। सही है यार, लेकिन गालियाँ बंद हो जाएंगी। सेंस ऑफ ह्यूमर स्ट्रांग होएगा। सेंस ऑफ ह्यूमर इंग्लिश में भी चाहिए ना। तो इंग्लिश में भी लेंगे थोड़ी थोड़ी मेहनत करके। ऐसी कौन सी चीज़ जो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तू इंग्लिश नहीं बोल सकता, बट आई कैन स्पीक वेरी वेल इंग्लिश।
वेरी गुड आईशा सिटिंग बिहाइंड एंड शेकिंग हर हेड लाइक नो अनी ठीक बोला ना मेरी टीचर तो यही है दोनों की टीचर बैठी है वहां पे बाय द वे एक मैं रूमर क्लियर करना चाहता हूं obviously whenever you are Ritika is always striking a deal कोई मतलब $5 million $10 million सारी चीजें पीछे हो रही होती हैं पर जब मैंने रितिका को बोला कि रोहित something she said oh I'll check with Rohit मैंने कहा don't pretend like you're checking with him like you're the boss you will tell him what to do right that's what she does नहीं पर ये so Shikhar we have to ask Ritika said this is a perception that Rohit has started see I'm defending you now ये perception किया उसने कि I'm the boss पर ये सबसे clever boss है जो कंट्रोल भी कर रहा है मैं कह रहा हूं नहीं मैं तो कंट्रोल कर नहीं रहा मम्मी की मिलनी मत गाना ये भाई शिखर विल बी द बेस्ट पर्सन टू आंसर भाई ये तो हर एक घर की सेम कहानी है कोई अलग थोड़ी है वो तो ये बात बिल्कुल सही बोली है होता है ना कि भाई क्या है क्या नहीं इवन अगर मेरे केस में भी है मैंने आयशा को जैसे बात हो रही थी मैंने कहा था यहाँ रितिका आयशा से बात करी लेगी उसके बारे में कि भाई शोक है तो जब वहाँ दोनों रेडी हैं तो हम रेडी हैं फिर हम कौन होते हैं बोलने वाले बड़ी सरकारों से आ गया हुकुम तो फिर चलो ही टोल्ड मी दिस आल्सो शिखर से मैंने बोला था ना बोला कि रितिका ही सेड हां हां आई एम फाइन डूइंग इट जस्ट चेक विद आयशा प्लीज फॉर द शो जस्ट चेक विद पॉइंट आई वांट टू से वन थिंग दैट ही डिडंट इवन रिमेंबर द शर्ट एंड ही वाज टेलिंग मी रिमेंबर आई टोल्ड यू अबाउट द शो एंड आई सेड नो यू डिडंट मैंने भी राज से बोला मैंने वो यार अच्छा वो शो भी है अभी तो कह रही मुझे तो नहीं पता मैंने रितिका ने नहीं बताया तो मैं अगले फंस गए कमाल है सो बेसिकली इट इज डिसाइडेड दैट द टू ऑफ यू व्हाइल ट्राइंग टू बी धुरंधर एंड डूड्स एंड एवरीथिंग यू बोथ आर कंट्रोल्ड बाय योर वाइव्स नॉट टू ऑफ यू आल्सो मैन शो इनका इसका मतलब ये थोड़ी है कुछ भी बोलेंगे यार देख लेंगे एक दिन करना होगा भाई शाह शो करना है बीवी ने बोल दी नहीं आज जरा घर पे बैठो चल आ जाओ पप्पू घर पे बेलन रोटी दैट वाज अ गुड वन ओ यार पकड़ लिया अब तो जाना पड़ेगा अब तो पकड़ लिया दैट्स अ गुड नोट टू फिनिश इट ऑल इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज सब्सक्राइब हो गया तो मैं फिर लाइक बोल देता हूं नहीं लाइक ठीक है कोई बात नहीं यूज़ करते हैं अभी भी बात नहीं की और इस वीडियो को शेयर कीजिए और तो लाइक करिए शिखर ने करवा दिया शेयर रोहित ने करवा दिया और घंटी बजाना आप ना सब्सक्राइब यार टू गुड उनकी अपनी लाइफ में क्या है उनका अपना पर्सनल नेचर क्या है वो एनी शो से जाना हमें पता चलता है प्लस हमें ये भी पता चलता है इन दोनों की फ्रेंडशिप कितनी है कितनी डीप है लोग एक दूसरे के साथ जाना वो कितना अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं प्लस यार मतलब कॉमेडी खेलने वक्त इन दोनों की कॉमेडी टेंशन में भी इन लोगों को एक्सप्रेशन बनाना है कि भाई अब क्या होने वाला है अब क्या होने वाला है अच्छा मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी जैसे हम जैसे नॉइन ने कहा कि भाई बहुत सारे लोग होते हैं ठीक है आवाज दे रहे होते हैं सबके नाम ले रहे होते हैं रोहित ये सबके नाम ले रहे होते हैं तो एक ना जो क्रिकेटर्स उन पे बहुत प्रेशर होता है जैसे उसने कहा कि हम नर्वस होते हैं हमें ये होता है हमें वो होता है एंड देन हम आउट हो जाते हैं कुछ भी हो जाता है ठीक है उसके बाद जब बच्चों को देखते हैं तो हम रिलैक्स पॉजिटिवली हो जाते हैं कि यार बस अब खत्म हो गया है अब रिलैक्स है हम लोग तो मतलब ये चीज अच्छी है कि आप लोग उस टाइम पे आप नर्वस होते हो ठीक है एंड देन आप जो वो निकल जाता है ना तो बोलते हाँ यार अब कोई बात नहीं है इट्स ओके डजंट मैटर इट्स ओके मूव ऑन यार एंड वन एक और चीज बहुत अच्छी लगी इनकी कॉन्वर्सेशंस में कि यार एक तो इन लोग ये लोग ये नहीं बोलते कि आगे हम क्या करेंगे आगे हमारे साथ क्या होने वाला है जो भी होगा देखा जाएगा यार जो भी जैसा भी हो कुछ भी हो बहुत और इनकी कन्वर्सेशन इतनी मजाक मस्ती इतनी अच्छी तरीके से इन लोगों ने मैंने इतना एंजॉय किया पता ही नहीं चला हमारा टाइम कैसे निकला इतना हमने एंजॉय किया इनकी बातें ऑब्वियसली यार आप स्टेडियम में देखो वो इतना खेल रहे होते हो प्रेशर में होते तो हमें लगता होता है क्या नहीं बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगी और ये वो नहीं बट दिस इज नॉट रियलिटी ये लोग भी अपनी लाइफ जीते हैं फॉर लॉन्ग एग्जैक्टली खैर गाइस हमें बहुत मजा आया एंड आई होप आपको भी हमारा रिएक्शन पसंद आया होगा हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़